हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीत कला क्राफ्ट। और आज मैं आपको इस यू पिन का यूज़ करना बताऊंगी। तो ये वाला साइज़ है, ये 5 नंबर का है ये, ठीक है। ये देखिए, ये यू शेप में है इसलिए हम इसको यू पिन कहते हैं, ठीक है। और इसको यूज़ करना बताऊंगी कि इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यू पिन है, इसको हम इस तरीके से, ये यू बनता है तो, लेकिन हमें इसको ऐसे यूज़ नहीं करना, हमें इसको ऐसे यूज़ करना है। देखिए ऐसे, ये देखिए, और इसका ये वाला ये कवर है, ये निकल जाता है। ये देखिए तो ये निकल जाता है ये वाला, देखिए। तो हम इसको इसमें लगा देंगे, बनाते समय हमें इसको इसमें लगा देंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारी ये यू पिन है। ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आपकी मार्केट में नहीं मिलती हो तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका यूज़ करना बताऊंगी कि इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, इसको हमें ऐसे यूज़ नहीं करना। ये देखिए, ऐसे हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे इसको यूज़ नहीं करना, हम इसको ऐसे यूज़ करना है हमें। ये देखिए, इस प्रकार हमें इसको यूज़ करना है। तो ये वाला हिस्सा नीचे होना चाहिए और ये वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए, ऐसे यूज़ करेंगे। क्योंकि इसमें से ये निकलता है, देखिए, क्योंकि इसमें से ये निकल जाती है वाली, ये देखिए, ये वाली ये निकल जाती है, इसलिए हम इसको, और हम इसको फिर जब बनाते समय हम इसको ऐसे निकाल लगा देते हैं। ये देखिए तो हम इसको ऐसे लगा देते हैं। ये देखिए, तो हम इसको यूज़ करेंगे, तो हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे इस साइड से, ठीक है। जिससे कि जब हम बनाएं, तो जब एक्स्ट्रा ज़्यादा बनाना है तो हम इसको नीचे की तरफ निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको निकाल कर हम इसको नीचे निकाल देंगे और हम इससे हम कितना बड़ा भी बना सकते हैं। तो इसका जो साइज़ है वो है 5 नंबर का है ये वाला साइज़। तो इससे मैं बताती हूँ इसको कैसे बनाते हैं। तो मैं ऊन लेती हूँ, तो ये देखिए, ये मैंने ऊन ली है और ये है क्रोशिया, ये देखिए क्रोशिया, तो ये है 3.5 mm की क्रोशिया, ठीक है। तो इससे मैं बनाऊँगी, तो इसको हमें क्या करना है कि इसको हमें यहाँ से लेना है, नीचे से, ठीक है। तो हमें इसको नीचे की साइड से लेना है, ध्यान से देखना है आपको, इसको हमें नीचे की साइड से लेना है उनको, ठीक है, नीचे से लेना है। और उसके बाद नीचे से लेना है और हम इसको ऐसे, ये देखिए, ऐसे बांधना है इसको, ऐसे, ये देखिए, इसको हम ऐसे बांध देंगे, ये देखिए, हम इसको ऐसे बांध देंगे ऐसे, ठीक है। ये वाला धागा, ये जो धागा, ये ऊन है, ये पीछे की साइड, इसके पीछे होनी चाहिए वाली ऊन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पहले बांध देंगे, स्टार्टिंग हमारी इसी प्रकार होगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। अब हम ये क्रोशिया लेंगे और अब हम इसको इसको फिंगर पर लपेट लेंगे, ये देखिए। तो हम सबसे पहले एक फंदा बनाएंगे, देखिए, एक फंदा बनाएंगे, ये देखिए, ये हमने फंदा बना लिया है, ये देखिए, ये फंदा बना लिया है। उसके बाद ये एक फंदा बनाने के बाद हमें इस वाले फंदे में से इस क्रोशिया को निकाल देना है, हुक्कू को निकाल देंगे। उसके बाद हम नीचे से, ये जो है इसके नीचे से हम लेंगे और फंदे को वापस क्रोशिया में भर लेंगे, ठीक है। अब इसको, ये देखिए, जो ये है इसको हमें ऐसे ऐसे पलट देना है, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद ये वाला एक लेना है, ये ऊपर वाला लेना है हमें, और इधर से हम इसको ऐसे बना देंगे, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको बनाना है, ठीक है। फिर इस फंदे को, ये देखिए, निकाल देंगे और फिर हम इस फंदे को भर लेंगे। भरने के बाद फिर इसको यू पिन को हम ऐसे टर्न कर देंगे, ये देखिए, और उसके बाद फिर ऊपर वाला फंदा लेंगे, देखिए, ऊपर वाला लेना है, हर बार हमें ऊपर वाला ही फंदा लेना है ऐसे, ये देखिए। और उसके बाद हम इसको हम सिंगल क्रोशिया से ऐसे बना लेंगे, ये देखिए। फिर हमें फंदे को निकालना है, फिर ऐसे बैक साइड में ऐसे लेना है हमें, उसके बाद फिर हम यू पिन को ऐसे घुमाएंगे और उसके बाद फिर हमें यहाँ से लेना है, देखिए,
इस तरीके से लेना है, और फिर इस फंदे को निकाल देंगे और यहाँ से लेना है फंदे को, यहाँ से, ठीक है, ऐसे फंदे को लेने के बाद ही आपको इसको यू पिन को ऐसे घुमाना है, और उसके बाद फिर यहाँ से ये ऊपर वाला फंदा है इसको हम सिंगल क्रोशिया से बना लेंगे, इस तरीके से बनाना है। फिर हम इसको निकाल देंगे, फिर क्रोशिया में फंदे को भरेंगे, उसके बाद फिर हम इसको ऐसे टर्न करेंगे, और उसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे बना लेंगे, देखिए, ठीक है, और इसको फिर हटा देंगे, बैक साइड से इस फंदे को भरेंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे, और फिर यहाँ से देखिए, आपको यहाँ से देख लेना, आपको यहाँ से समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से देखकर ऐसे इसको बना लेंगे, ये देखिए, फिर हम इसको ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करेंगे, और फिर हम इसको ऐसे टर्न कर देंगे, फिर हम यहाँ से ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको बनाना है, देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा, ये देखिए, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो इसको बनाना बहुत आसान है, आप बहुत इजी तरीके से इसको बना सकते हैं, और बहुत ही जल्दी बन जाता है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हम एक दो बार इस फंदे को बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इसको फिर हम ऐसे बनाएंगे, बहुत इजी तरीका बताया मैंने आपको, ये देखिए, तो हमें ये इस तरीके से बनाना है, ये देखिए इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, तो इसको हम ऐसे बनाते जाएंगे, ऐसे बनाते जाएंगे, तो हम इसको ऐसे बनाते जाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाते जाएंगे, तो ये ऊपर बनता जाएगा, और हम इसको ऐसे नीचे कर देंगे, बाद में हम नीचे करते जाएंगे इसको, इसको हम देखिए, इसको हम जब बनता जाएगा तो हम इसको ऐसे नीचे खिसकाते जाएंगे, देखिए ऐसे हम इसको नीचे निकाल देंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है, इसको नीचे करते जाएंगे, और फिर आगे हम ऊपर इसको ऐसे बनाते जाएंगे, तो इसको जब ये ज़्यादा बन जाए तो हम इसको ये इसमें से ये निकाल कर हम इसको निकाल देंगे। इस तरीके से आप इसको बना लीजिए, ठीक है, आप जितना बड़ा चाहे आप इसको बना सकते हैं। तो मैं आपको इसको और पूरा बनाकर इसको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ये काफ़ी सारा बना लिया, ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरीके से हम बना लेंगे इसको, हम और बड़ा करना चाहे तो हम और भी बड़ा कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ से निकाल देंगे, ये देखिए इसको हम निकाल देंगे, और इसको हम ऐसे, ये देखिए इस तरीके से हम इसको ऐसे निकाल देंगे, देखिए ये देखिए इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे, ये देखिए, तो इसको हम और नीचे करेंगे, ये देखिए हम इसको ऐसे नीचे करते जाएंगे, और इसको हम ऊपर बनाते जाएंगे, और इसको हम नीचे करते जाएंगे, ठीक है ना, ये देखिए, तो इसको हमें क्या करना है, इसको इसको हम बनाते बनाते हमें इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, ऐसे ऐसे हम इसको फोल्ड कर देंगे, और ये एक पिन लेंगे, इससे हम इसमें अटैच कर देंगे, देखिए
इस तरीके से हमें इसको इसको पिन से ऐसे अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको आगे बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको आगे बनाएंगे ऐसे। देखिए, तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, तो इसको हम पूरा बना लेंगे। तो इसको हम पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो इसको हम कितने जितने कलर के आप बनाना चाहे बना सकते हैं। इसको हम एक कलर के बना सकते हैं, दो कलर के बना सकते हैं, या फिर मल्टी कलर में भी हम इसको बनाएंगे तो बहुत सुंदर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी इसको बना लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। आप एक दो बार बनाएंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको बना लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको जोड़ना ही बताऊंगी कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।